तो आर्य समाज तो भगवान राम भगवान कृष्ण की ही मान्यताओं का प्रचार करता है। इन दोनों महापुरुषों के जीवन में जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं को ही आगे बढ़ाता है और कहता है कि आप उनके चरित्र के साथ जुड़ कर के चलें। अगर ऐसा ना होता तो गाजियाबाद के अंदर एक पादरी आ गया दो मूर्तियां लेकर के, दोनों मूर्तियां दिखने में हूबहू बिल्कुल एक जैसी, कोई अंतर नहीं रंग में, ढंग में, साइज में कोई अंतर नहीं, एक मूर्ति कृष्ण की एक मूर्ति ईसा मसीह की। इकट्ठा किया हिंदुओं को, इकट्ठा किया ईसाइयों को और डंके की चोट पर बोला आज परीक्षा करते हैं किसके भगवान में ज़्यादा ताकत। देखो दोनों मूर्तियां एक जैसी है, मैं जल में दोनों मूर्तियों को डालूंगा, जिसका भगवान तैर गया वो ताकतवर, जिसका डूब गया बोलो वो कमजोर। दिखने में तो मूर्ति एक जैसी थी लोगों, पर अंदर से ईसा मसीह की मूर्ति लकड़ी की थी और कृष्ण की मूर्ति लोहे की थी। ये चाले चली गई हमें नष्ट करने के लिए। भोले भाले लोग थे, सब आ गए। जब सब आ गए तो हुआ क्या, जल में दोनों मूर्ति डाली गई, जाहिर सी बात थी लकड़ी तैरेगी लोहा डूबेगा, है ना। पर पादरी ने क्या कहा, देखो तुम्हारे कृष्ण जी डूब गए और हमारे ईसा मसीह तैर गए, अब तो जो कुछ भी है बस ईसा मसीह में ही है, इसलिए आ जाओ इधर आ जाओ। और ये षड्यंत्र घरोंडा के अंदर भी चल रहा है जगह जगह, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही बहकाया जा रहा है। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, पता चला कि ये षड्यंत्र करके बहकाया गया, भोले भाले जो लोग थे वो उनके चक्कर में आ गए और योजना बन गई हम तो जी ईसाई बनेंगे। अमर स्वामी जी को पता लगा, संन्यास आश्रम के पास में रहते थे उस समय गाजियाबाद के अंदर अमर स्वामी जी, तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे आए। और जैसे ही आए तो स्वामी जी ने पादरी जी से कहा, पादरी जी क्या बात, बड़ा हल्ला मचवा रखा है, मुझ तक भी बात पहुँच गई। अमर स्वामी जी को देख करके ही पादरी ठिटक गया, है ना। आर्य समाजी लोगों को तो ऐसा मानते हैं जैसे ये डायनासोर की प्रजाति का प्राणी हो, जहाँ भी पहुँच जाए एक बार को खोप लोगों को जरूर चढ़ जाता है और रटी रटाई एक बात जरूर बोलते हैं, तुम तो जी आर्य समाजी हो, तुम कहाँ मानोगे। ये बहुत शब्द सुनने को मिलता है मुझे, तो मैं निवेदन कर दूँ आप लोगों के सामने, अमर स्वामी जी को देख करके वो ठिटका और ठिटकर के जब वो चलने लगा तो अमर स्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं परीक्षा अधूरी रही, देखो जल परीक्षा आपके यहाँ होती है पर हमारे हिंदुओं में तो अग्नि परीक्षा होती है, तो तुमने अपने वाली तो कर ली, अब हमारे वाली भी होगी। पादरी ने कहा, नहीं 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 परीक्षा तो हो गई। बोले, ना होगी कैसे, नहीं या तो परीक्षा मूर्तियों की कर, नहीं तो तेरी परीक्षा मैं यही कर दूंगा, ध्यान रखना, सन्यासी मत मानना मुझे, मैं लाल कपड़े में घुसा हुआ कुछ और भी हूँ, है ना, राजपूत परिवार में पैदा हुए थे तो बोले मैं लाल कपड़े में घुसा हुआ कुछ और भी हूँ, चुपचाप लाए मूर्ति उठा करके। अमर स्वामी जी ने मूर्तियाँ उठवाई, अग्नि जलवाई और जैसे ही अग्नि के अंदर डली वो, कुछ ही देर के बाद में ईसा मसीह जी भड़भड़ करके जलने लगे और कृष्ण जी तो आग में पड़े हुए ही थे बिल्कुल, है ना। तो तुरंत जितने हिंदू थे उन्होंने ढोल नगाड़े बजा दिए, हो कृष्ण जी नहीं जले भैया, हमारे भगवान में ज़्यादा ताकत है। स्वामी जी ने कहा, सुन भगवान तो जो है वो तो सब जगह है, ये तो मूर्तियाँ थी, ये षड्यंत्र था और षड्यंत्र को समझ जाओ नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे। इसीलिए मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, जब तक आर्य समाज दौड़ रहा है ना हिंदू चल रहा है, और जिस दिन आर्य समाज दौड़ना बंद करके चलने लगेगा हिंदू खड़ा हो जाएगा, जिस दिन आर्य समाज खड़ा हो गया हिंदू बैठ जाएगा, जिस दिन आर्य समाज बैठ गया हिंदू लेट जाएगा, और जिस दिन आर्य समाज लेट गया ये हिंदू जाति मर जाएगी। अगर इसे बचाने की ताकत कोई रखता है तो वो आर्य समाज रखता है और कोई संगठन नहीं रखता है। इसलिए भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति को सुरक्षित रखने का जिम्मा आर्य समाज रूपी संगठन ने उठाया। बस अंतर यही है, हम कहते हैं चरित्र को मानो, चरित्र की पूजा करो, आचरण को अपने जीवन में अपनाओ, तो सच्चे अर्थों में चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो चाहे रामनवमी हो, ये मनाना सार्थक होगा, सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करती हूँ। बड़े ध्यान से आप सभी ने सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय भ्राता जी भी सम्मानित कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। आर्य समाज के संपर्क में आप सदा रहें। हाँ, मैं महाभारत को देखें तो भगवान कृष्ण का जीवन वहां पर विशेष रूप से याद किया जाता है। अगर पूछें आपसे प्रश्न किया जाए कि अर्जुन के सलाहकार कौन थे, तो शायद जवाब यही आएगा कि भगवान कृष्ण थे। और दुर्योधन के सलाहकार कौन थे, उनके मामा शकुनी थे। इसलिए अगर जीवन में आपके सलाहकार ठीक आ गया और अगर सलाहकार किसी को बनाना है तो आर्य समाज को बनाओ। कहते दो बहने सत्संग में आया करती थी आर्य समाज की, मैं ये बात सुना करके शांति पाठ करूँगा। तो दो बहने आर्य समाज के सत्संग में आती थी, तो एक बहन के घर में कुछ समस्याएं आने लगी। क्योंकि समस्याओं का मूल कारण कुछ और होता है, पर हम उस मूल से न जुड़ करके हम अन्य अन्य स्थानों पर घूमते रहते हैं और अन्य प्रकार के उपायों को हम खोजते रहते हैं और किसी न किसी उपाय करने वालों के साथ हम बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं उस बहन के जीवन में जब कोई समस्याएं आई तो समस्याओं को सुलझाने के लिए वो एक ज्योतिषी के पास चली गई। जो ज्योतिष का काम करते थे पंडित जी, उनके पास जा करके उन्होंने कहा मेरे घर में ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, महाराज कुछ उपाय बताएं। तो महाराज जी उनका हाथ देखा, कुंडली देखकर देखने के बाद कहा कि आप कोई काली वस्तु का दान करें, कोई काली वस्तु का आप दान करें। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, मैं जरूर करूँगी। वो कहीं अपनी सहेली के साथ, जिसके साथ वो आर्य समाज सत्संग में जाती थी, तो उस बहन से कहा कि बहन मैं बहुत परेशान चल रही हूँ और उस परेशानी को लेकर के मैं ज्योतिषी के पास गई थी और उन्होंने मुझे काली वस्तु दान करने के लिए कहा है, बोल मैं क्या करूँ। कहा इसमें कौन सी सी बात है, ले कोयला मेरे पास रखा है, ये कोयला लेकर के पोटली में बांध करके जा और महाराज को दान कर दे। कहते हैं वो काला कोयला लेकर के गई तो उन्होंने जब देखा खोल कर, अरे कह मैं ये कहने का भाव ये नहीं है, मेरे भाव ये है कि काली चीज हो पर वो चलती हो, चलने वाली चीज होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो फिर से गई अपने बहन के पास जिसके साथ सत्संग में जाती थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास ये कीड़ियाँ हैं, ये बहुत काली हैं, इनको तो बांध ले और जाकर के दान कर दे, ये काली भी है और चलती भी है। जब कहते हैं वो कीड़ियाँ लेकर के गए और जाकर कहा कि महाराज ये चलती हैं और काली भी हैं, तो उन्होंने ये बात में तू समझ नहीं पा रही, काली हो चलती हो और चार पांव वाली हो और दूध भी देती हो। उन्होंने कम से कहा काली हो चार पांव वाली हो और दूध देने वाली हो। वो फिर से उस बहन के पास गई और कहने लगी बहन, उन्होंने कहा कि काली हो चार पांव वाली हो और दूध देने वाली हो। कहते इसमें भी कोई समस्या नहीं है, मेरे पड़ोस में काली कुतिया है जो अभी हाथ में ब्याई है और वो काली है और दूध भी देती है और चार पांव भी है उसके। कहते वो कुतिया को बांध करके उसके पास गई और कहने लगी महाराज ये मैं ले आई, ये चार पांव भी हैं, गिन लो आप है, और एक काली भी है देख लो आप और दूध भी देती है, अगर ना मानो दूध करके देख भी लो आप। तो कहते हैं ये बता तू, तुझे सलाह देने वाला कौन है, कैसी सी सलाह कौन दे रहा है तुझे। कहते मेरी एक सहेली है। कहते सहेली का नाम क्या है, कहाँ जाती है वो। कहते वो आर्य समाज में जाती है। कहते अरे अगर तू पहले मुझे बता देती कि तेरी कोई ऐसी सहेली है जो आर्य समाजी है तो मैं तुझे कोई उपाय ही ना बताता। अर्थात जिसके जीवन में आर्य समाजियों का सहयोग है, आर्य समाजियों का साथ है, आर्य समाजियों का जीवन से जुड़ा हुआ जीवन है, तो उनको जीवन कोई ठग नहीं सकता। जीवन में ठगने वाले बहुत हैं आपको, इसलिए आप सावधान हो जाओ। जीवन हम और भगवान कृष्ण को गीता का उद्देश्य क्या है, लोग कहते हैं कि मरते हुए व्यक्ति गीता का पाठ सुना दो, ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं कि जो आदमी मर रहा हो उसको गीता का पाठ सुना दो तो उसका सीधा स्वर्ग हो जाएगा। अरे गीता को पढ़ करके देखो, गीता के अंदर जितने भी
अध्याय है, हर अध्याय के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है। और जो युद्ध के कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, उस अध्याय का नाम है विषाद योग है। तो जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन एक विषाद में आ गए, एक तनाव में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, तो उस डिप्रेशन, उस तनाव को भगवान कृष्ण ने अपने विचारों से दूर किया था। ना कि मरते हुए आदमी गीता सुनाने कोई विधान है कि मरते हुए सुना दो तो स्वर्ग चला जाएगा। जीवन हमारा कर्म प्रधान है, और आपने कर्म प्रधान जीवन को जीने की आप कला सिखाएं। जैसे हमारे आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि आर्य समाज घरौंडा हमेशा सक्रिय है, और मुझे कार्य करते हुए बहुत लंबा समय हो गया, और अनेक शहरों के अंदर चंडीगढ़ छोड़ने के बाद तो मैं बड़ी जल्दी जल्दी शहर बदलता रहता हूँ, बड़ी जल्दी जल्दी, कहीं 6 महीने, कहीं साल, कहीं 2 साल, इतनी जल्दी जल्दी शहर में बदलता रहता हूँ। पर एक चीज़ मैं जो महसूस कर रहा हूँ घरौंडा आकर के, कि जो घरौंडा वासियों का प्यार है, स्नेह है, जो अपनापन है, कि एक छोटे से फोन में सभी लोग यहाँ आ जाते हैं और आकर के पूरे सत्संग का लाभ लेते हैं, ये मुझे अन्य शहरों में दिखाई नहीं दिया है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अन्य शहरों में इतना हमने जोर दिया है कि लोगों को साधन भेजे हैं हमने, लोगों को सुविधाएं भी दी हैं, फिर भी लोग सोच सोच करके आए हैं। पर घरौंडा वासी तो बिल्कुल ऐसे हैं कि बिना साधन के, बिना किसी उसके, और आते हैं और आर्य समाज का सहयोग भी पूरा हम तन मन से करते हैं। हमारे आइए हम शांति पाठ करेंगे, और शांति पाठ के साथ ये सभा हमारी यहीं पर रुकेगी, और 15 तारीख के लिए हम सब तैयार होकर के आए, क्योंकि वो जो कार्यक्रम है, एक शाम शहीदों के नाम, बैंक की क्रांतिकारी विशेष रूप से, जब आप 15 अगस्त का कार्यक्रम आप उनका सुनोगे ना, तो शायद अगले 15 अगस्त तक आप याद रहेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जब 15 अगस्त का कार्यक्रम आप सुनोगे तो 1 साल तो आप जरूर गुनगुनाओगे उस कार्यक्रम को। इसलिए आपने 15 अगस्त के कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, अपने परिवार समेत आना, अपने बच्चों समेत आना 15 अगस्त के कार्यक्रम में। ओम नमो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति देव शांति साम शांति देवी ओम शांति 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 ओम। जो मुनि सो भय वैदिक धर्म की जय हो, जगत गुरु महर्षि स्वामी दयानंद की, गुरुवर विद्यानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की, योगी राष्ट्र जी महाराज की, भारत माता की, गौ माता प्रसाद सभी को बांटेंगे, सभी प्रसाद।